नेशनल एजेंसीज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस यानी नास ने पर्यावरण दिवस के मौके पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की एक नई किस्म इजाद की है, जिस पर वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके इस्तेमाल से सरसों की पैदावार में काफी सुधार आएगा। जेनेटिक सरसों आनुवंशिक रूप से उत्पन्न की गई सरसों की एक किस्म है, जिसके उपयोग से उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि आ जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक हम अपने उपयोग का लगभग 60% सरसों बाहर से आयात करते हैं, जिसमें अब भारी गिरावट आने की गुंजाइश है। जैसे ही जीएम सरसों को सरकार से मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही ये तकनीक किसानों के इस्तेमाल के लिए बाजार में दस्तक दे देगी। सबसे खास बात यह है कि यह एक स्वदेशी तकनीक से निर्मित किस्म है, जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर दीपक पेंटल ने इजाद किया है। सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि यह जो कि हमारी प्रजातियां हैं जो ज़्यादातर किसान ग्रो करते हैं, उनकी उपज से इसकी उपज 20-25% ज़्यादा है। तो उपज 20-25% ज़्यादा होना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ यह है कि यह वैरायटी जो है, हम किसी भी रूप में किसी भी वैरायटी को परिवर्तित कर सकते हैं हाइब्रिड के रूप में, और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रजनन के लिए नई चीज़ बनाने के लिए उपलब्ध हो सकता है, जो पहले नहीं हो सकता था। इसलिए ये वैरायटी अगर आएगी तो एक तो नया द्वार खुलेगा कि हम नए जेनेटिक मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, दूसरे इसकी उपज बढ़ जाएगी।